तकलीफें देने वाला भी अल्लाह ताला है और उनका जो है सॉल्यूशन निकालने वाला भी अल्लाह ताला है। हमारे इस्लाम में कहीं दूर दूर तक ये कहा नहीं गया है कि अगर तकलीफ अगर आप पे आई है तो तकलीफ का सॉल्यूशन जो है वो सुसाइड और आत्महत्या है। बहुत तकलीफें आती है, मैं मानती हूं, हर मैं कहा ना आपसे, इससे और बुरी बुरी तकलीफों और बहुत बुरी बुरी हालातों में बच्चियां और मेरी बहनें रह रही हैं, लेकिन सुसाइड एक सॉल्यूशन नहीं है। वो बच्ची एक चेहरे पे वो खुशी दिखा रही थी, लेकिन अंदर जो उसके गम का समुंदर था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं ये मामला जो है शादी के बाद जो है एक दूसरे में प्यार का ना होना या फिर दहेज का, जैसा सुनने में आ रहा है दहेज का, और इस वजह से उस बच्ची ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दी। और जाते जाते उसने ये कहा कि उसने अपने हस्बैंड के बारे में कहा कि उसे आज़ादी चाहिए तो मैं आज़ादी दे रही हूँ। किस तरह से देखती हैं इस दुखद घटना को आप? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा इस्लाम जो है ना वो इतना कमज़ोर नहीं है। जो इस बच्ची ने किया है वो वाकई गलत है, इतना तक कि इस्लाम में यह भी आया है कि आप खुदकुशी आत्महत्या जो सुसाइड करोगे वो हराम है। और उस बच्ची ने कहा भी है ये चीज़ अपने वीडियो में कि मुझे पता नहीं जन्नत मिलेगी कि नहीं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चियों के माँ बाप हैं, वो स्कूल कॉलेज के साथ साथ बच्चियों को इस्लाम की भी तालीम दे। इस्लाम भी उतना ही ज़रूरी है जितना आज स्कूल कॉलेज है। मैं ये बोलना चाहती हूँ उनको कि आप इतना पैसा बच्चियों की शादी पे ना खर्चा करते हुए उनकी तालीम पे खर्चा कीजिए। उनको जो आप पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं उस पे आप, अगर आपने कुछ बचाया है तो उस बच्ची के एजुकेशन में खर्चा कीजिए। हमारे इस्लाम में कहीं दूर दूर तक ये कहा नहीं गया है कि अगर तकलीफ अगर आप पे आई है तो तकलीफ का सॉल्यूशन जो है वो सुसाइड और आत्महत्या है। कमोबेश हर किसी को ये पता है कि जो सुसाइड है, जो आत्महत्या है, वो एक गुनाह है, बड़ा गुनाह है, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा जल्दी। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं आत्महत्या कायरता है, बिल्कुल आत्महत्या कायरता है, आत्महत्या से आत्महत्या किसी भी समस्या का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी कि उसको आत्महत्या के लिए किसी ने मजबूर कर दिया। वो बच्ची का आप चेहरा देखो किस तरह से बात कर रही थी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि उस बच्ची ने ये कहा है एक लफ्ज कि पता नहीं मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आत्महत्या पे उसको मजबूर भी तो किया गया है। तकलीफ़ें मैंने ये बच्ची की, मुझे नहीं पता कि क्या तकलीफ थी, पर मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, ऐसी बहुत सी बच्चियां देखी हैं, ऐसी बहुत सी मेरी बहनें देखी हैं जो इससे, मेरे ख्याल से इस बच्ची से ज़्यादा तकलीफें सह रही हैं। पर हर चीज़ का सॉल्यूशन सुसाइड और आत्महत्या नहीं होता है। अल्लाह ताला ने सब्र इसी लिए दिया है कि अगर बहुत तकलीफें आती हैं, मैं मानती हूँ हर मैं कहा ना आपसे, इससे और बुरी बुरी तकलीफों और बहुत बुरी बुरी हालातों में बच्चियां और मेरी बहनें रह रही हैं, लेकिन सुसाइड एक सॉल्यूशन नहीं है। आप इसके जगह पे, मैं ये कहूंगी कि आप इसके जगह पे एक मिसाल बनती। आपको अगर आपका कहना है कि आपके शौहर को अगर फ्रीडम चाहिए था, आप फ्रीडम देती, दे देती फ्रीडम, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी से हाथ धो दे दोगी। अल्लाह ताला ने जो है वो दुनिया में इतने मखलूक बनाए हैं, लेकिन एक अशरफुल मखलूक बनाया है, वो इंसान को बनाया है। आप ये खुद सोचिए। और ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है, ये किसी को हमको किसी गलत चीज को हम बढ़ावा नहीं दे सकते, किसी गलत चीज को हम ये बढ़ावा नहीं दे सकते वीडियो दिखाकर। मैं मेरी बहनों से, मेरी माओ से ये इल्तिजा करूंगी कि तकलीफें आती है, तकलीफें देने वाला भी अल्लाह ताला है और उनका जो है सॉल्यूशन निकालने वाला भी अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला उसी इंसान को तकलीफ देता है जिसको पता है कि वो बर्दाश्त कर सकता है, और उसी का जो है वो अल्लाह ताला ही हल निकालता है। तो हर तकलीफ का जो सॉल्यूशन जो है, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आत्महत्या सुसाइड नहीं है। हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको, इस दुनिया से लड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमारा इस्लाम इतना कमजोर नहीं, हर औरत तकलीफ सहती है, बर्दाश्त करती है और आगे जितनी भी करती आई है और करती रहेंगी, लेकिन हार नहीं मानेंगी। क्यों?
क्योंकि उनके दिलों में जो वो ईमान जो है वो पुख्ता है। अपना ईमान पुख्ता करें, अपने एजुकेशन पूरी करें, लेकिन साथ ही साथ इस्लाम की जो है वो तालीम भी जरूर लें। तो ये सारा अकरम जी हैं, बेबाक बोलती हैं, और इन्हें ये आत्महत्या जो है बिल्कुल गलत लगा। वाकई में करना गलती ही है। आप देखोगे कि दुनिया में भी इस बात की बात है कि कोई आत्महत्या की कोशिश करता हुआ पाया जाता है तो उस पर भी दुनिया में भी केस और कानून के तहत तो उस पर मामला दर्ज होता है। खुदा के हैं, यानी किसी भी धर्म में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहा गया है कि आत्महत्या कर लो। अपनी परेशानी को देखते हुए आप आत्महत्या उसका सॉल्यूशन करो। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग तकलीफ में रहते हैं, सब के सब आत्महत्या कर लेते और दुनिया ख़त्म हो जाती। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि आप दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी अपने बच्चों को दें। और ये खौफ तो होना ही चाहिए कि जो गलती हम करने जा रहे हैं ऊपर वाले को ये नापसंद है, उसकी दी हुई ज़िंदगी को हमें अब कोई हक नहीं है कि उनकी दी, खुदा की दी हुई ज़िंदगी को हम खुद से छीन ले। हाँ, खुदा ने ज़िंदगी दी है, खुदा ही छीनेगा। कोई आपको मार देता है वो अलग बात है, लेकिन आप अपने अपने आप से अपने आप को मार लेते हो, जान लेते हो, तो कहीं ना कहीं खुदा, भगवान और ईश्वर की नाफरमानी करते हो। तो आत्महत्या को किसी ने भी एक स्ट्रॉन्ग वो नहीं कहा है, जिसने भी कहा है आत्महत्या को कायरता कहा है। और इस्लाम में बताया जाए तो इस्लाम के हिसाब से आत्महत्या बिल्कुल गलत है। अल्लाह करे कि जिस बच्ची ने आत्महत्या की है उसकी मगफिरत हो, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करे, उसकी इस गलती को माफ़ करे, और ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर दे जो जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। थैंक यू सो मच।